तो मैं एक्टिवेट करने की प्रोसेस भी फास्टैग रिचार्ज करने के बाद बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चलिए सीखते हैं कैसे आपने अपनी कार या फिर अन्य वाहन का जो फास्टैग है उसको रिचार्ज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना फोन पे ओपन करना होगा। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इधर मिलेगा रिचार्ज एंड पे बिल वाला सेक्शन, उसी में आपने सी ऑल पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको मिल जाएगा फास्टैग रिचार्ज वाला ऑप्शन, तो आपने इधर ही क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर सारी बैंक के जो भी फास्टैग प्रोवाइड कराती हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप मेरे को ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस बैंक का फास्टैग जो है वो यूज़ करते हैं। अब आपने जो भी आप मतलब कि जिस भी बैंक का आपका फास्टैग है उसको चूज करेंगे, जैसे कि हमारे केस में है एक्सिस बैंक फास्टैग, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब आपने इस बॉक्स में अपनी गाड़ी का नंबर जो कि आपके प्लेट पर होता है, या फिर आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, और कुछ केस में जो है ये आईडी भी प्रोवाइड कराते हैं फास्टैग वाले, तो आप यहां पर वो डालें। जैसे कि मैंने डाल दिया गाड़ी का नंबर, देन आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं प्रोसेस होगी, और ये प्रोसेस जैसे ही होती है आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपके बैंक वाले फास्टैग का नाम और साथ में आपके व्हीकल का नंबर। साथ में आपको जितना भी रिचार्ज करना है आप इस अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको 10 रुपये का फास्टैग रिचार्ज करके बताता हूँ। तो राइट पर क्लिक करें। जैसे आप राइट पर क्लिक करते हैं उसके बाद रिचार्ज पर क्लिक करें। जैसे आप रिचार्ज पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर जो है वो प्रोसेस होगी और आपने अपना यूपीआई पिन डालना है। जैसे आप यूपीआई पिन डालते हैं फिर से एक प्रोसेस होने वाली है और यहाँ पर आपका जो है वो फास्टैग जो है रिचार्ज की प्रोसेस हो रही है। जैसे ये प्रोसेस हो जाती है आपका फास्टैग जो है वो रिचार्ज हो जाएगा और ये 10 रुपये आपके फास्टैग में चले जाएंगे। सिमिलरली अगर आप पेटीएम का फास्टैग यूज करते हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पेटीएम खोलें और सर्च बार यहाँ पर जाएँ और यहाँ पर लिखें मैनेज फास्टैग या फास्टैग रिचार्ज। उसके बाद आपको मिलेगा मैनेज फास्टैग का सीन, तो यहाँ पर क्लिक करें। अब आपको नीचे मिल जाएगा एड मनी टू पेटीएम फास्टैग, तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये सीधे जो है वो पेटीएम वॉलेट खोल देगा और यहाँ पर जो है आपका बैलेंस भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है ये आपका पेटीएम फास्टैग जो होता है वो सीधे आपके पेटीएम वॉलेट से जुड़ा होता है, तो आपको अलग से इसका कोई रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे रखें, जैसे ही किसी टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी जाएगी वहाँ से आपके वॉलेट से सीधे पैसे कट जाएंगे। तो बस आप अपना वॉलेट रिचार्ज करके रखें, अपने वॉलेट में पैसे रखें। और सिमिलरली अगर आप कोई भी अन्य किसी बैंक का रिचार्ज करना चाहते हैं पेटीएम के थ्रू, तो आप रिचार्ज अदर बैंक फास्टैग पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर सारे बैंक के जो फास्टैग होते हैं वो बैंक दिख जाएंगे। तो जिस भी बैंक का आप रिचार्ज करना चाहते हैं फास्टैग उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप सिंपली गाड़ी का नंबर डालेंगे और नीचे प्रोसेस करके आप इधर से रिचार्ज जो है अपना फास्टैग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आप लोगों ने अपना फास्टैग जो है वो एक्टिवेट करना है। अगर आपने मेरी वीडियो देखकर अपना फास्टैग बनाया था तो आपको फास्टैग एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने उस वीडियो में जो है अपनी आरसी अपलोड की थी। अगर आप अपनी आरसी अपलोड करके अपना फास्टैग बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट आता है, और अगर आपने कहीं और से अपना फास्टैग बनवाया है तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने बनाते टाइम पर अपनी जो वाहन की आरसी होती है वो अपलोड की होगी तो वो भी एक्टिवेट आया होगा। अगर आपका बाय चांस एक्टिवेट नहीं है तो आपने कस्टमर केयर को कॉल करना है, वो आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे और आपने सिंपली उसमें अपना जो है आरसी अपलोड करनी है अपने वाहन की, और कुछ ही देर में आपका जो है आपका फास्टैग जो होगा वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है वो रिचार्ज करके अपना फास्टैग यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे को ये जरूर बताएं कि आप किस बैंक का फास्टैग यूज करते हैं। और इन सभी चीज़ों से इम्पोर्टेंट, आप अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।